YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सीमा से सटे प्रदेश के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को नक्सली आतंक से मुक्त कराने में पिछले 3 दिनों से जुटे सुरक्षा बलों को मंगलवार की देर शाम भारी नुकसान उठाना पड़ा। घात लगाए नक्सलियों ने खबरी महुआ जंगल में पानी पीने के इरादे से जा रहे पुलिस से भरे वाहन को शाम के करीब 6 बजे लैंडमाइन विस्फोट कर परखच्चे उड़ा दिए, जिसमें 6 सुरक्षा बल मौके पर ही शहीद हो गए जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को बाद में इलाज के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा रिम्स रांची भेजा गया, जहां एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शहीद जवानों को पूरे सम्मान के साथ पुलिस मुख्यालय रांची हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। घायलों में झारखंड जगुआर के एसआई सुभाष चंद्र सिंह, कांस्टेबल जानी टोप्पो, अली अशरफ खान और अरविंद उराव के नाम शामिल है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस विभाग स्तब्ध है। वहीं घटना के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक बिपुल सोर घटनास्थल पर पहुंचकर लगातार पुलिस कप्तानों के संपर्क में है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे सिटी न्यूज से गढ़वा संवाददाता अरुण यादव ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से चूक कहां पर हुई इसे लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। शहीद जवानों में पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गंबरबीघा गांव निवासी कुंदन कुमार सिंह भी शामिल है। इसके अलावा सीनियर कमांडर परमानंद चौधरी, कृष्ण कुमार नियोपनी के साथ कांस्टेबल अजय कुजूर, अजीत ओडिया और देव कुमार महतो ने भी शहादत दी। मंगलवार की शाम नक्सली पुलिस के अभियान टीम पर भारी पड़े। गढ़वा संवाददाता अरुण ने यह भी बताया कि पुलिस वाहन विस्फोट कर उड़ाने के बाद नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मैदान छोड़ने पर विवश कर दिया। हालांकि जानकारी मिली है कि नक्सली पुलिस के इंसास राइफलें सहित अन्य हथियार भी लेकर भाग जाने में सफल रहे। हमारे बरवाड़ी संवाददाता दीपक ने बताया कि यह इलाका काफी दुर्गम माना जाता है, जहां लातेहार पुलिस कप्तान प्रशांत आनंद व गढ़वा जिला पुलिस कप्तान शिवानी तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम नक्सलियों के खात्मे में जुटी हुई है। भारी वर्षा के बीच परिस्थितियां प्रतिकूल थी और घात लगाए नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। वही अभियान में शामिल सीआरपीएफ द्वारा एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया गया है, जबकि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सली हथियार बरामद होने की खबरें भी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। शूटिंग करने अभी खबरी महुआ जो है, जहां पे नक्सलियों ने एक बार फिर से कैरेक्टर का परिचय दिया है, जिसमें कि 6 जवान शहीद होने की सूचना है। जिसे की देखते आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रैक्टर से बॉडी को लाया जा रहा है।